मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 9 जुलाई 2022 के साकार मधुर महावाक्य है। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें एक शिव बाबा को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। ज्ञान के सिवाय कोई भी व्यर्थ बातें ना सुननी है ना सुनानी है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें एक शिव बाबा को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। ज्ञान के सिवाय कोई भी व्यर्थ बातें ना सुननी है ना सुनानी है। बाबा ने आज प्रश्न पूछा, बाप सभी बच्चों को कौन सी वार्निंग देते हैं? और उत्तर में बाबा कहते कि बच्चे, बाप के बने हो तो ईश्वरीय बचपन को कभी भूल नहीं जाना, कोई भी विकर्म नहीं करना, बाप से प्रतिज्ञा कर उसे छोड़ना नहीं। अगर बाप को भूलेंगे तो माया खुशी गायब कर देगी, फिर बुद्धि हैरान होती रहेगी, घबराते रहेंगे और विकर्म करते रहेंगे, बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। इसलिए शिव बाबा के बने हो तो बचपन सदा याद रखो। मुरली का गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बच्चों ने अर्थ समझा? बच्चे सामने बैठे हैं और जानते हैं कि ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेने के लिए हम उनके बच्चे बने हैं, और यह भी अच्छी तरह जानते हैं कि हम निराकार परमपिता परमात्मा की अविनाशी संतान हैं। अब सम्मुख बैठे हैं, दूर होने से कई बच्चे भूल जाते हैं। मित्र संबंधी गुरु गोसाई आदि को देखते हो तो यह बचपन की बातें भूल जाती हैं। यहाँ जो सम्मुख बैठे हैं वह तो नहीं भूलते होंगे। अविनाशी शिव बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, यह तो बड़ी खुशी की बात है ना। हमको शिव बाबा ने अपनाया है फिर से स्वर्ग के मालिक बनाने। हम मालिक थे परंतु पुनर्जन्म लेते लेते अब नर्क के मालिक बने हैं और फिर स्वर्ग का मालिक बनेंगे। तुम जानते हो शिव बाबा जो निराकार है वह इस तन में प्रवेश करते हैं। वे हमें श्रीमत देते हैं कि मुझ निराकार शिव बाबा को याद करो। सभी आत्माओं को कहते हैं क्योंकि वह सर्व का लिबरेटर है। लिबरेटर माना सदगति दाता। मनुष्यों की ही सदगति करेंगे, जानवरों की तो बात ही नहीं। लिबरेटर गाइड है मनुष्य का। उनको नॉलेजफुल ब्लिसफुल कहते हैं। यहाँ तुम सम्मुख बैठे हो तो नशा चढ़ता है। बाबा जानते हैं घर जाने से तुम बच्चे भूल जाते हो, माया भुला देती है। यहाँ तुम्हारी बुद्धि में कोई साधु संत गुरु व लौकिक संबंधी नहीं है, अभी है पारलौकिक संबंध। शिव बाबा इसमें प्रवेश होकर हमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। निराकार को जरूर साकार में आना पड़े। कहते हैं सिकलदे बच्चे, तुम फिर से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए आए हो। पूछा भी जाता है कि शिव बाबा से आपका क्या संबंध है? तुम कहेंगे हम उनके अविनाशी बच्चे हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के साकारी बच्चे हैं, क्योंकि पुनर्जन्म लेते रहते हो। दूसरे जन्म में सब तो बच्चे नहीं बनेंगे। बचपन की ये बातें भूलो मत। हम शिव बाबा के पोत्रे ब्रह्मा के बच्चे हैं। यहाँ आए हो फिर से स्वर्ग का वर्षा लेने। अभी नर्क में है, तुम अब संगम पर हो। कितनी सहज बात है, बुढ़िया भी धारण कर सकती हैं, ये भूलना नहीं है। परंतु बहुत हैं जो बाहर जाने से भूल जाते हैं, सारा दिन भूले रहते हैं, वह खुशी नहीं रहती। फिर कहते हैं बाबा पता नहीं क्या होता है। वास्तव में ये तो बच्चों को बहुत अपार खुशी होनी चाहिए। बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं और क्या चाहिए। बाप को भूलने कारण तुम घबराते हो, हैरान होते हो और विकर्म करते हो। यह कोई गुरु आदि नहीं है, यह सत्य बाप है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम शिव बाबा के बने हो ब्रह्मा द्वारा, वह भी बाबा है, यह भी बाबा है। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, वर्षा कहाँ से मिलता है? शिव बाबा से। वह तो है ही नई दुनिया का रचयिता। तुम अभी ऐसे बाप दादा के सम्मुख बैठे हो तो बाप समझाते हैं कि बच्चे कोई भी कर्म नहीं करो,
नए आएंगे तो कहेंगे अच्छा आज प्रतिज्ञा करो मुझे भूलना नहीं है। माया तुमको बार बार भुलाएगी, इसलिए बाप समझाते हैं, वार्निंग दी जाती है। मुरली से भी सब बच्चे सुनेंगे, समझेंगे बाबा मधुबन में बच्चों को ऐसे बैठ समझाते हैं। तुम जानते हो यह बचपन माया बार बार भुला देती है, बुद्धि का ताला बिल्कुल बंद हो जाता है। आत्मा को जब अतीन्द्रिय सुख मिलता है तो खुशी होती है। अब बाबा मुझे मिला है, बाबा सभी दुखों से लिबरेट करते हैं क्योंकि वह सुखदाता है। सभी मनुष्यों का वह लिबरेटर है। ऐसे नहीं कि तुम कोई 84 लाख जन्म भोग आए हो, लाखों जन्मों की बात ही नहीं, यह तो 84 जन्मों का चक्र है। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले हमारा राज्य था, क्रिश्चियन घराने के 3000 वर्ष पहले हेवन था, फिर हेल कैसे बना यह कोई भी नहीं जानते। बाप बैठ अच्छी रीति समझाते हैं, इसमें शास्त्रों आदि की कोई बात नहीं। अगर रोंग समझते हो, संशय पड़ता है तो भाग जाओ। अरे शिव बाबा तुम्हारा पिता, ब्रह्मा भी तुम्हारा पिता। शिव बाबा कहते हैं कि इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर इनको बच्चा बनाता हूँ, फिर इन द्वारा और बच्चे अडॉप्ट करते हैं, उनको शिक्षा दे, फिर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग के मालिक थे, अभी नर्क के हो। तुम देखते हो हम बाप के सम्मुख बैठे हैं, हम बच्चे दादे के वर्षे का हकदार हैं। पावन जरूर बनना है, पावन बनने बिगर आत्मा उड़ नहीं सकती। यह तो गपोड़े मारते रहते हैं, फलाना निर्वाण धाम में गया वो ज्योति ज्योत समाया, जाता एक भी नहीं है। जो भी एक्टर है सबको हाजिर यहाँ होना है, जब तक विनाश शुरू ना हो तब तक हाजिर होना है। आत्माएं आती ही रहती हैं, जब यहाँ से आना पूरा हो जाता है तब लड़ाई लगती है, तुम्हारी राजाई स्थापन हो जाती है, वहां से भी सब आ जाते हैं। यह सब बातें बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु तुम भूल जाते हो। कितने भूले तो फारकती दे दी। अच्छे अच्छे बच्चे जो बाप के पिछाड़ी न्योछावर हो जाते थे, यहाँ से जाते थे तो रो कर जाते थे, और वहां जाने से नर्कवासियों का संग मिलता है तो सब भूल जाते हैं। बाप वार्निंग देते हैं, बच्चे इस बचपन को कभी भूलना नहीं। तुमको तो एक शिव बाबा को ही याद करना है, कोई भी गुरु गोसाई आदि का फोटो भी नहीं रखना है, निराकार शिव बाबा का फोटो तो निकल ना सके। तुम बच्चों को बाबा अभी अच्छे कर्म करना सिखलाते हैं, ऐसे अच्छे कर्म और कोई सिखला ना सके। तुम श्रेष्ठ बन रहे हो, शरीर छोड़ेंगे तो भी ऊंच सर्विस ही जाकर करेंगे, क्योंकि तुम्हारी चढ़ती कला है। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेगा, बाबा फिर भी कहते हैं कि यहाँ तुम सम्मुख बैठे हो, यहाँ सुनते हो याद रहता है, फिर बाहर जाने से झट भूल जाता है। ऐसे भी हैं फिर आपस में झरमुई जगमुई उल्टी सुलटी बातें सुनते सुनाते रहते हैं। ज्ञान नहीं है तो एक दो को वाहियात बातें सुनाकर माथा खराब करते हैं। बाबा लेने के लिए आए हैं, बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो इतना ऊंच पद पाएंगे, इसलिए सिवाय ज्ञान के और किसी की भी ग्लानी आदि उल्टी सुलटी बातें सुनो नहीं। बाप कहते हैं हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग स्थापन करने वाला गॉड फादर, सभी मनुष्य मात्र का बाप एक ही निराकार है। तुम एक धर्म के हो, जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हो, फिर पीछे और धर्मों की वृद्धि होती जाती है। सत्युग में एक ही देवी देवता धर्म होगा, सब गोरे होंगे, फिर इस्लामी लोग निकलते हैं, फीचर्स बिल्कुल डिफरेंट। बोधियों की शक्ल देखो कैसी है, सब धर्म वालों की शक्ल अलग अलग। अभी तो अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हो रही है। तुम पतित से पावन बन रहे हो, याद रखना तुम्हारी दुश्मन माया बड़ी दुष्टर है। सिवाय ज्ञान के कोई वाहियात बातें सुनने से बेमुख हो, शोक वाटिका में चले जाएंगे। बाबा बार बार समझाते हैं तुम्हारा धंधा ही यह है, बाप से वर्षा पाने की युक्ति बताना। बाबा ने समझाया था तुम्हारा परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है, वह बोर्ड लगा दो, बड़ी अच्छी लिखत हो। ब्रह्मा कुमारियों का नाम सुनते डरते हैं तो फिर और युक्ति से लिखा जाता है। बोर्ड पढ़ेंगे तो बाप दादा का परिचय मिल जाएगा, जरूर साकार द्वारा ही वर्षा मिलेगा।
शिव बाबा है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला, मुसलमान कहते हैं बहिष्ट स्थापन करने वाला। अभी तुम उनके बच्चे बने हो, ऐसे बाप को भूलो नहीं। माया कितनी जबरदस्त है। तो बाबा कहते हैं इस बचपन को भूल मत जाना, बच्चे तो सब है ना, भल कितना बड़ा आदमी होगा तो भी बाबा कहेंगे कि तुम्हारी माया बड़ी दुश्मन है। बाबा समझाते हैं तुम फालतू बातें नहीं करना, तुम मम्मा बाबा कहते हो तो फॉलो कर ऊंच पद पाओ। लाडले बच्चे मुझे याद करो तो विकर्मों का बोझा उतर जाए, नहीं तो भोगना पड़ेगा, फिर उस समय बहुत फील होगा। अंत में ऐसी भासना आती है जैसे बहुत समय से भोगना भोग रहे हैं। हिसाब किताब चुकतू होता है तब वापस जाते हैं, वह सारा साक्षात्कार होता रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवाचान सिखवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है संग दोष में आकर ईश्वरीय बचपन को भूलना नहीं। आपस में कभी भी कोई वाहियात उल्टी सुलटी बातें ना सुननी है ना सुनानी है, ज्ञान की ही बातें करनी है। और सेकंड पॉइंट है हर एक को बाप से वर्षा लेने की युक्ति बतानी है, मम्मा बाबा को पूरा फॉलो कर ऊंच पद का अधिकार लेना है, बाप की याद से विकर्मों का बोझ उतारना है। बाबा ने वरदान दिया समय के ज्ञान को स्मृति में रख, सब प्रश्नों को समाप्त करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव। समय के ज्ञान को स्मृति में रख, सब प्रश्नों को समाप्त करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव। जो स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे स्व का दर्शन कर लेते हैं उन्हें सृष्टि चक्र का दर्शन स्वतः हो जाता है। ड्रामा के राज को जानने वाले सदा खुशी में रहते हैं, कभी क्यों क्या क्या प्रश्न नहीं उठ सकता, क्योंकि ड्रामा में स्वयं भी कल्याणकारी है और समय भी कल्याणकारी है। जो स्व को देखते स्वदर्शन चक्रधारी बनते वह सहज ही आगे बढ़ते रहते हैं। स्लोगन है अनेक आत्माओं की सच्ची सेवा करनी है तो शुभ चिंतक बनो। स्लोगन अनेक आत्माओं की सच्ची सेवा करनी है तो शुभ चिंतक बनो। ओम शांति। आज हम मातेश्वरी जी के भी अनमोल महावाक्य सुनेंगे। तो मातेश्वरी जी कहती हैं कि ज्ञान योग धारणा, जितना इन तीनों बातों पर अटेंशन देंगे तो उन्नति होती रहेगी। इन्हें प्रैक्टिकल जीवन में लाना है, इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान की प्रालब्ध से इमॉर्टल सुख प्राप्त होता है, उसको ही देवताई सुख कहते हैं। देवताओं की तो प्रैक्टिकल सुखी जीवन थी, ऐसे नहीं कि जब वह ब्राह्मण थे तब कोई शास्त्र अध्ययन करते थे, उन्हें तो स्वयं गीता के भगवान से सहारा मिला। तो मनुष्य द्वारा बनाए हुए शास्त्रों को हम फॉलो कैसे करें? इस ईश्वरीय सुख का अनुभव अभी प्रैक्टिकल हो रहा है। हम इस दुख के जमाने से निकल सुख के जमाने में आ गए हैं, वो दुख का जमाना अब लौट गया। पहले सुख के जमाने में थे, वो जमाना पूरा हुआ तो दुख के जमाने में आए, अब फिर से उस सुख की दुनिया में आ गए जहां 21 जन्म सुख में रहेंगे, फिर जल्दी दुख में नहीं आएंगे, धीरे धीरे उतरेंगे। अब यह गम का जमाना सदा के लिए जा रहा है, अब तो सच्चा अति इंद्रिय सुख होना चाहिए, भले इसमें मायावी विघ्न भी खूब पड़ेंगे तो भी। जिनों को यह पूर्ण निश्चय है कि पुरानी दुनिया गुजर चुकी है, उन्हों को गम की लेस नहीं आ सकती। अगर कहां लेस आती है तो समझना है कि जरूर विस्मृति है। तो अपना भी ईश्वरीय ज्ञान सिर्फ सुनने तक नहीं है, परंतु धारण कर लाइफ में फर्क आना चाहिए। यह यथार्थ मार्ग हमें अभी मिला है, बाकी ऐसे नहीं समझना कि हमने परमात्मा की गोद ली तो बस। इतना करने से पूरी प्राप्तियां नहीं हो सकती, परमात्मा मिला है पुरुषार्थ का मार्ग बताने के लिए। अब उस मार्ग पर चल प्रैक्टिकल ईश्वरीय जीवन बनाना, बस यही है सच्चा सुख। बहुत मनुष्य ये प्रश्न पूछते हैं कि जब आत्मा और परमात्मा दोनों अनादि हैं
तो फिर परमात्मा को रचयिता क्यों कहते हैं? परमात्मा को बाप और आत्मा को संतान क्यों कहते हैं? अब इस पर समझाया जाता है, परमात्मा भी अनादि है यह सारी दुनिया अवश्य मानती है। उसके लिए ऐसा प्रश्न उठ नहीं सकता कि परमात्मा को किसने पैदा किया। नहीं, वैसे आत्माएं भी अनादि और अविनाशी हैं, परंतु दुनिया के लोग ऐसे समझते हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है तो वो भी परमात्मा हो गया। इस हिसाब से अनादि समझते हैं। अब यह तो हुई उनों की मत, लेकिन स्वयं परमात्मा द्वारा हम जान चुके हैं कि परमात्मा पिता है और हम आत्माएं बच्चे हैं। पहले बाप आता है, बाद में बच्चे पैदा होते हैं। भल है दोनों अनादि, लेकिन परमात्मा को पार्ट मिला हुआ है आत्माओं को बच्चा बनाकर वर्षा देने का। हम बाप से सुख शांति पवित्रता का वर्षा लेते हैं, क्योंकि आत्माओं ने यह सुख शांति का वर्षा खोया है, तो फिर उनों को ही लेना पड़ेगा। हम इस हिसाब से परमात्मा बाप और आत्मा बच्चे का संबंध रखते हैं। बाकी परमात्मा तो खुद पिता है, वह स्वयं सुख शांति का सागर है, उसके पास फुल नॉलेज है, वो खुद ही दाता है। इस प्रकार से भी हम बाप कहेंगे। जब हम बाप कहते हैं तो जरूर बच्चा भी है। बाप कहने से बच्चा सिद्ध हो जाता है। अगर परमात्मा ना होता तो देने वाला कौन होता? जब देने वाला है तभी तो हम लेने वाले हैं। तो दोनों का पार्ट अलग अलग ठहरा। आत्मा परमात्मा का भल रूप एक है, परंतु परमात्मा को नॉलेजफुल कहते हैं, उन्हें रचने का पार्ट मिला हुआ है और आत्माएं उनकी क्रिएशन है। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।